जे जयललिता की मृत्यु पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी संदेह जताया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि उनके शव को बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की 5 दिसंबर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में मृत्यु हुई थी। हाईकोर्ट के जज जस्टिस वैद्यलिंगम ने कहा, मीडिया ने उनकी मौत पर काफी शक जताया। निजी तौर पर मुझे भी जयललिता की मृत्यु पर संदेह है। हाईकोर्ट जयललिता की मौत की जांच कराए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस वैद्यलिंगम ने कहा, जब वो अस्पताल में भर्ती कराई गई थी तो कहा गया कि वो नियमित आहार ले रही हैं। अब कम से कम उनकी मृत्यु के बाद सच सामने आना चाहिए। अदालत ने अस्पताल से जयललिता की पूरी हेल्थ रिपोर्ट मांगी है। मृत्यु से पहले जयललिता करीब 2 महीने तक अपोलो अस्पताल में भर्ती रही थी। 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता को कई प्रमुख द्रविड़ नेताओं की तरह चेन्नई के मरीना बीच समुद्र तट पर दफनाया गया। जयललिता को उनके फिल्मी और राजनीतिक गुरु माने जाने वाले एमजी रामचंद्रन के निकट ही दफनाया गया। जयललिता की मृत्यु की घोषणा को लेकर भी काफी गफलत बनी रही थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जयललिता की मृत्यु 5 दिसंबर को दोपहर में ही हो गई थी, लेकिन पार्टी ने रात को 11:30 बजे इसकी घोषणा की। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट का ये संदेह अब कई सवालों को खड़े करता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।